तो फ्रेंड्स बारिश का मौसम आने वाला है और बारिश में गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा खाने की मजा ही कुछ और है। सो फ्रेंड्स इट्स डे थर्ड ऑफ 100 डेज ऑफ ईटिंग 100 फूड डिशेस और मैं आपका भाई हर्ष कहार आपके लिए लेकर आया हूँ चौखंडी वाला ब्रेड पकौड़ा। सो फ्रेंड्स नाउ लेट्स गो इनसाइड एंड टेस्ट इट। तो गाइस जो चौखंडी का फेमस ब्रेड पकौड़ा है उसी की एक ब्रांच है और ये लोकेटेड है आरवी देसाई रोड पे संजीवनी हॉस्पिटल के जस्ट सामने। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो यह है ब्रेड पकौड़ा वाले का पूरा मेन्यू कार्ड। यहाँ पे आपको है ना बहुत डिफरेंट वैरायटीज के ब्रेड पकौड़ा मिलेंगे। आपने जो कभी कॉम्बिनेशन सोचा नहीं होगा कि इस तरह का भी ब्रेड पकौड़ा हमको कभी मिल सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है कि हम ब्रेड पकौड़ा वही खाते हैं कि जो ब्रेड के बीच में जो आलू का स्टफिंग करके उसको बेसन के साथ रैप करके फ्राई किया जाता है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे आपको आलू पकौड़ा, बटर गार्लिक पकौड़ा, पैरी पैरी पनीर पकौड़ा, चीज बस पकौड़ा, मैक्सिकन पकौड़ा, पनीर भुर्जी पकौड़ा, एक्सोटिक वेजी पकौड़ा, तंदूरी पकौड़ा और भजिया जैसे कई सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो सही में यहाँ का ब्रेड पकौड़े में वैरायटीज बहुत ही ज्यादा है और उसी के साथ साथ यहाँ पे आपको बेवरेजेस में लेमन आइस टी, पीच आइस टी, गुआवा आइस टी, क्लासिक मोहितो वगैरह के भी सारे ऑप्शन मिलेंगे। और फिर उसके अलावा इनके पास शेक्स वगैरह के भी ऑप्शन है और फिर यहाँ पे आप देख सकते हो सैंडविचेस और फ्रेंच फ्राइज वगैरह के भी ऑप्शन है। सो फ्रेंड्स अभी हमारा यहाँ पर चीज बस ब्रेड पकौड़ा और पैरी पैरी पनीर ब्रेड पकौड़ा लगकर रेडी हो चुका है और सही में दिखने में बहुत ही ज्यादा टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलो जल्दी से मैं इसको टेस्ट करता हूँ। चीज पूल देखिए बहुत ही बढ़िया चीज पूल है और अंदर से भी बहुत ज्यादा चीजी, जैसे कि नाम है चीज बस तो उसी तरह से है। सही में फ्रेंड्स इसका टेस्ट बहुत ही ज्यादा ऑसम है। जैसा कि इसका नाम है वैसे इसका टेस्ट है बिल्कुल, जब मैंने पहला बाइट लिया तो बिल्कुल मुंह में एक ऐसा चीज का बॉम्ब फूटा हो ना, चीज बस्ट हुआ हो वैसा वाला टेस्ट आया। और एज ऑलवेज इनका जो अंदर का जो स्टफिंग होता है ना आलू वाला, वो आलू वाला स्टफिंग बहुत ही बढ़िया, मतलब बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। और इतना अच्छा चीज और ब्रेड पकौड़ा का कॉम्बिनेशन आपको कहीं देखने नहीं मिलेगा। सही में ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अगर आप चीज लवर हो तो आप जरूर एक बार इसको ट्राई करना। सो फ्रेंड्स अभी मैं पनीर पैरी पैरी ब्रेड पकौड़ा टेस्ट करने वाला हूँ और आप देख सकते हो यहाँ पर अंदर बहुत अच्छा पनीर और पैरी पैरी का स्टफिंग किया गया है। सो फ्रेंड्स ये पनीर पैरी पैरी ब्रेड पकौड़ा का भी टेस्ट बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अंदर पनीर और पैरी पैरी का कॉम्बिनेशन बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, मतलब इतना इनोवेटिव तरीके से इतना अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना वो भी ब्रेड पकौड़ा में, सही में बहुत आसान चीज नहीं होती और बहुत ही अच्छा टेस्ट है। मैं आपको 100% रेकमेंड करूंगा कि आप ये दो चीजें यहाँ पे आओ तो जरूर टेस्ट करना। और इतनी इनोवेटिव चीज है, अपने फैमिली वालों को और बच्चों को ज्यादा पसंद आती है तो उनको जरूर यहाँ पर लेकर आना। और ये जो पनीर वाला ब्रेड पकौड़ा है वो भी बहुत अमेजिंग लगा, वो थोड़ा सा चटपटा था और मस्त लग रहा है। जो पैरी पैरी मसाला है उसका वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा। मैं तो मेरे सारे फ्रेंड्स को रेकमेंड करने वाली हूँ कि आप यहाँ पे आके एक बार ब्रेड पकौड़ा ट्राई करो, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग चीज है, बहुत यूनिक है और बहुत ही अमेजिंग है। ब्रेड पकौड़ा की क्वालिटी बहुत ही ज्यादा अच्छी थी, जैसे कि आपने यहाँ पर देखा ये लोग जो ब्रेड भी है ना मफिन्स कंपनी के यूज करते हैं और उसके अंदर स्टफिंग भी बहुत अच्छी क्वालिटी का था और उसके ऊपर जो बेसन का लेयर था ना वो भी बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया था। आप 100% यहाँ पर अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ आ सकते हो और यहाँ पे जितनी भी प्रिपरेशन होती है बहुत ही ज्यादा हाइजेनिकली की जाती है। और आप मेरे पीछे देख सकते हो यहाँ का एम्बियंस इंटीरियर वगैरह भी बहुत अच्छा है, मतलब क्यूट है, मतलब आप थोड़ा कार्टूनिस्ट है, क्यूट है, स्लोगन्स अच्छे लिखे हुए हैं, बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है। तो गाइस मुझे ये प्लेस बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी है, यहाँ के जो ब्रेड पकौड़ा थे वो टेस्ट करके तो बहुत ही मैं अमेज्ड हो गई हूँ कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। इन्होंने बहुत ही अच्छा इनोवेशन किया है, क्योंकि मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि ब्रेड पकौड़ा में सॉसेज भी जा सकते हैं, पनीर भी जा सकता है।
वो देख के तो मुझे बहुत ही ज्यादा मैं खुश हो गई कि पनीर ब्रेड पकौड़ा, पेरी पेरी ब्रेड पकौड़ा, ये सब सुन के बहुत ही अलग यूनिक एक्साइटमेंट होती है कि हम इसको टेस्ट करें और कैसा लगेगा। तो सही में वाकई में ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लगा मुझे, मैं फैन हो गई यहाँ की। तो फ्रेंड्स आज के ब्लॉग में बस इतना ही, मिलता अगले ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।